आपण जे म्हणालात अजेंडा आमचाही असेल आणि तो असणारच आहे। अगदी डोळे मिटून आम्ही कुठल्याही आघाडीला पाठिंबा देणार नाही। आज आम्ही इंडिया आघाडी सोबत आहोतच, परंतु अजेंडा आमचाही असेल आणि त्यामुळे आज या हॉलमध्ये आपण काही प्रस्ताव पारित करणार आहोत की जे लोकांचे असतील, लोकांच्याकडून असतील आणि समाजातल्या सर्व घटकांच्या प्रश्नांवरती ते प्रस्ताव असतील, ते आपण नंतर पारित करूच। तत्पूर्वी या हॉलमध्ये बरेच पॉलिटिकल पार्टीचे लोक आलेले आहेत, अबू असीम अजमी येत आहेत, ते दुसरं सत्र आपण सुरू करू। तत्पूर्वी मी अजमी साहेब आलेत त्यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर या। अबू असीम अजमी साहेब, सपाचे आमदार आणि महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अबू असीम अजमी साहेब यांना विनंती करतो की आपण विचार मंचावर या। साथियों, क्योंकि आज आसिम भाई ने मुमरा में एक बड़ी जनसभा रखी है और हमारा यहाँ एक आमंत्रण जो उनको था उसको उन्होंने स्वीकार किया और अपनी व्यस्त समय से निकालकर यहाँ समय आए हैं, तो मैं सीधा उनको मंच पर बुला लेती हूँ, वो अपनी बात कहें। आसिम भाई, जोरदार तालियों से हमारे साथियों का यहाँ स्वागत किया गया। यहाँ आज जो है हम भारतीय इंडिया के साथ इस सभा में मौजूद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं सिर्फ टीवी पे देखता था, आज यहाँ देख रहा हूँ। मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को दिल के गहराइयों से मुंबई में बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। यकीन जानिए, यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं ना, एक एक व्यक्ति इस देश की पहचान है। आज अगर संविधान की लड़ाई कोई लड़ रहा है, संविधान बचाने की कोई बात कर रहा है, मैं समझता हूँ इस स्टेज पर बैठा हुआ एक एक आदमी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज देश के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं। जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इस देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है और जितने मीडिया वाले हैं सब उनके तलवे चाट करके जो चीज़ें नहीं हो रही वो दिखाते हैं, जो हो रही वो नहीं दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो एक मैं उन तमाम पार्टियों के लोगों से जो आज इंडिया के नाम से एक अलायंस बन रहा है, मैं उन सबसे मेरी आवाज़ है, दिल की आवाज़ है, पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, टिकट कम मिला चलेगा, लेकिन सब लोग सिर्फ ये सोचिए कि भारतवर्ष का संविधान को जिंदा रखना है तो हमें सबको मिलकर वन टू वन फाइट करना है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैं अपने मेरे नेता से मैं कहूँगा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है और अगर हम उन सांप्रदायिक लोगों को यूपी से हराने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ दिल्ली की गद्दी पर कभी वो बैठ नहीं सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, श्री अखिलेश जी यादव की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब ये कोशिश करना चाहिए कि सब लोग मिलजुल करके किसी तरह से इस अलायंस को मजबूत करें। हम भारतीय लोग हैं जो इस देश में नफरत बांटने वाले को हटाएंगे और इस देश में बिल्कुल एक सेकुलर सरकार जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कहते हैं कि महल झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हमें इस रिश्ते को कायम करना है। आज कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज जिसको चाहो आप डराते हो, आप कहते हो कि 70,000 करोड़ का घोटाला है और 4 दिन के बाद मंत्री बना देते हो। जेल में जाओ या मंत्री बनो, कोई आदमी क्या चुनेगा? आदमी तो मंत्री बनना चुनेगा, जेल में क्या जाएगा? तो ये हालात है देश में। मैं समझता हूँ जनता इसको अच्छी तरह देख रही है। अभी मुझे मीडिया वाले बोल रहे थे आप लोग क्या लड़ाई लड़ पाएंगे, अभी 200 रुपया जो है ना सिलेंडर का दाम कम कर दिया और कुछ करने वाले हैं। मैंने कहा जनता जानती है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। आज जो है ना अपनी गरज थी तो डिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। आज गरज है ना तो आप 200 रुपया कम करोगे, राशन दे दोगे, आप नई नई स्कीमें लाओगे, लेकिन जूतने के बाद फिर आप जनता को जिस तरह से ठगा वैसी ठगा दो ठगोगे। मैं फिर एक बार बहुत ही
आदर के साथ एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने मुझे बुलाया, हम भारतीय ने जो तय किया है इसके अंदर, मैं समझता हूं सारी पार्टियां जो विपक्ष की है ना, इन बातों को पूरा मानना चाहिए, उनको इस पर चलना चाहिए। मैं माफ़ी चाहता हूं, मेरी कलेक्टर की मीटिंग थी, एक घंटा लेट कर दिया उन्होंने, और मुझे किसी तरह से मुमरा पहुँचना है, वहाँ एक बहुत बड़ी जनसभा है, सब लड़के बार बार फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए मैं माफ़ी के साथ मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप इसके अपना ऑटोग्राफ दें। अरे मैडम, अभी देता हूँ ऑटोग्राफ। कौन कौन? आज डेट क्या? आज की तारीख है 30 नवंबर। ठीक है जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है, मैं निकलूँ? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई का। साथियों, ये संकल्प पत्र है जो हमारा है, हमने जिन भी राजनीतिक दलों को यहाँ पर बुलाया है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जो मुद्दे हैं उसको वो एंडोर्स करेंगे। तो आसिम भाई ने इसको समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको एंडोर्स किया है, उनकी शुक्रगुजार हूँ। विशाल साथियों, खरतर या सभेचं जे काही आम्ही ठरवलं होतं, आम्हालाही खात्री होती की ते मिक्सअप होऊन जाईल, कारण अबू भाई आमच्या सोबत कायम असतात, म्हणून त्यांना विचार मंचावर बोलवलं। विद्याताई कायम सोबत असतात, म्हणून त्यांना आम्ही या विचार मंचावर बोलवलंय, कारण ही चळवळीतली लोक आहेत, चळवळीतले लोक असल्यामुळे ते विचार मंचावर बोलवले। राजकीय जो काही कार्यक्रम होता राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचा, तो आपण नंतर घेणार होतो, परंतु आता मिक्स झालेला आहे, आणि बिहारचे खासदार इथे आहेत, त्यांना मी तिथे बाहेर बसवलं होतं समोर, मी त्यांची माफी मागतो आणि त्यांना विनंती करतो की आपण सुद्धा विचार मंचावर यायचं आहे। अनिल हेगडेजी आप ऊपर आइए। इरफान इंजिनियर, इनको मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मंच पर आए। जावेद आनंद जी आप भी मंच पर आए, और साथियों उसके बाद में हमारे इस कार्यक्रम के दूसरे साथी डॉल्फी डिसोजा, जो बॉम्बे कैथोलिक सभा के अध्यक्ष है और हमारे साथ लगातार जुड़े होते हैं मूवमेंट के लिए, उनको मैं यहाँ पर बुलाता हूँ, वो अपनी बातें यहाँ पे रखे। इस कार्यक्रम के हॉल पर हमारे शैलेंद्र भाई है, किशोर जी केदार है, कई साथी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता इस मंच इस हॉल में मौजूद है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉल्फी डिसोजा,